युवाओं को स्वरोजगार देने के मकसद से मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना के जरिए युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आवेदन आवेदक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से कर सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब युवा बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को मूर्त रूप दिया है, जिसका उद्देश्य है कि एमपी में जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, वे स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपना कोई रोजगार शुरू करने के लिए पूंजी नहीं है, जिसके कारण उनका स्वरोजगार का सपना अधूरा रह जाता है। एमपी सरकार ने इसी समस्या के समाधान को खोजते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसमें आवेदन कर लाभार्थी अपना व्यापार शुरू कर सकता है। सरकारी नौकरियां एकमात्र रोजगार का साधन नहीं है, हम सब जानते हैं। केवल शासकीय नौकरी में सबकी भर्तियां नहीं की जा सकती, और इसलिए स्वरोजगार के अलग अलग अवसर मैं आज कहना चाहता हूं। यह मध्य प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जिसने उद्यम क्रांति योजना बनाई, और मेरे बेटे बेटियों, अप्रैल में वो योजना शुरू हो रही है। हर साल कम से कम 1 लाख बेटे बेटियों को 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन अपना उद्योग प्रारंभ करने के लिए दिया जाएगा। बैंक लोन देंगे और उसको वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। स्वरोजगार योजना की कुछ खास बातों पर गौर किया जाए तो कुछ इस प्रकार है। इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को की गई थी। उम्मीदवार ब्याज का भुगतान 7 साल तक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आपको 20,000 से 10 लाख तक की लागत का ऋण मुहैया कराया जाएगा। बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को 30% मार्जिन मनी की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपको मार्जिन मनी की सहायता, सब्सिडी, ऋण गारंटी लाभार्थियों को मिलेगी। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को 15% मार्जिन मनी की सहायता दी जाएगी। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको बैंक द्वारा ही ऋण मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत ऋण के ब्याज पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। करीब 1 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। वित्तीय सहायता के रूप में सरकार प्रतिवर्ष 3% ब्याज अनुदान देगी। इसके अलावा अधिकतम 7 सालों के लिए बैंक गारंटी भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। नए उद्यमियों द्वारा ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। स्वरोजगार की चाह लिए हजारों हितग्राहियों ने इस योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाया है। जो कभी स्वयं के रोजगार की चाह रखते थे, वे आज दूसरों को रोजगार देने के लायक हो गए हैं। अनेक योजनाओं के अंतर्गत हमारा संकल्प है, हर महीने अब अगले साल 2 लाख बेटे बेटियों को रोजगार देंगे। अपने स्वरोजगार के काम धंधे से भी बेटे बेटी लगे। शासकीय नौकरियों में अगर मौका मिलता है तो भावी उनकी भर्ती होगी, और जैसे ओम प्रकाश सकलेचा भी बता रहे थे, एक नहीं अनेकों एमएसएमई के क्लस्टर काम कर रहे हैं, जिनमें भी हम बच्चों को रोजगार देंगे। ये बिंद की और मध्य प्रदेश की पवित्र धारा आज उद्योगों को आकर्षित कर रही है। एक नहीं अनेक निवेश आज बिंद की धरती पर भी आ रहे हैं, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों को कि कृषि के बाद अब उद्योग में भी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य हम बना देंगे। उसके लिए दिन और रात भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम में लगी है। 18 से 45 वर्ष की आयु के उम्मीदवार ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। वही लोन मिलने के बाद आवेदक उसे 7 साल के अंतराल में आसानी से चुका भी सकता है। वहीं आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। एमपी सरकार ने इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिसमें योजना से जुड़ी तमाम जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है, चाहे केंद्र में मोदी जी हो और चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अधिकतम रोजगार के अवसरों को सृजित करना। और आज मुझे बता दो, खुशी है, हमने तय किया है मेरे बेटा बेटियों, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में बनाएंगे। और पहले मैंने तय किया था कि हर महीने 1 लाख बच्चों को रोजगार देंगे।
स्वरोजगार योजना का आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात की जाए तो आवेदक के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पांचवी कक्षा की मार्कशीट आदि सभी के महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।